हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स स्कॉलरशिप 2020 मैट्रिक इंटर पास सभी छात्र जो अस्टूडेंट मैट्रिक और इंटर 2020 में पास किए हैं उन सभी के लिए जो स्कॉलरशिप का जो फॉर्म जो अप्लाई जो किया जा रहा है, तो अब जो टाइम जो है बहुत ही जो है कम बचा है। तो आप लोग अभी तक फॉर्म को जो अप्लाई नहीं किए तो किस तरह से आप लोग को अप्लाई करना है, सारा प्रोसेस जो इस वीडियो में कम्प्लीट जानकारी जो मिलने वाला है, तो वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहें। तो सारा प्रोसेस आप लोगों को जो इस वीडियो में मिलने वाला है, अभी तक आप लोग फॉर्म नहीं भरे तो जल्द से आप लोग फॉर्म जो भर लें, क्योंकि आपका जो है जो इस बार जो मैट्रिक और इंटर में पास किए उन सभी को जो है नेशनल स्कॉलरशिप का राशि जो है दिया जा रहा है। तो आप लोग जल्दी करें। तो यहाँ पे देखिए आपको किस तरह से फॉर्म भरना है, तो सारा प्रोसेस यहाँ पे आप लोग को जो बताया जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को जो है गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद जो NSP जो वहाँ पे जो है टाइप करना है, ठीक है। NSP टाइप करने के बाद जो सर्च करने के बाद जो इस तरह का आपका एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा न्यू रजिस्ट्रेशन और लॉगिन, ठीक है। तो जो रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको लॉगिन करके वहाँ पे फॉर्म को जो है भर देना, ठीक है। और जो अभी तक रजिस्ट्रेशन भी नहीं किए तो उनके लिए सबसे पहले जो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही जो है क्लिक करना, ठीक है, इस वाले पे क्लिक करना। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है इस तरह का एक आपका पेज ओपन सामने आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पेज ओपन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो टर्म ऑफ कंडीशन जो दिया हुआ है सारा कुछ यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। और उसके बाद जो यहाँ पे जो है तीनों पे जो है टिक मार्क यहाँ पे आप लोग को कर देना है। टिक मार्क करने के बाद जो यहाँ पे जो कंटिन्यू का जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर देना है। एक बार जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका फॉर्म जो है खुल जाएगा, ठीक है। पूरा फॉर्म जो यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा, फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोग को जो फॉर्म को भर देना है, सारा प्रोसेस सही से यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपका जो है स्टेट ऑफ डोमिसाइल डालना है, यानी कौन सा स्टेट से आप है, यानी सभी स्टेट के लिए। यहाँ पे जो है बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से, असम से, चंडीगढ़ से, दिल्ली से, गोवा से, जहाँ से आप होंगे वहाँ से आप लोग जो स्टेट जो है यहाँ पे जो है चुन लेना है। आप जैसे बिहार से तो बिहार स्टेट जो यहाँ पे जो है चुन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेट चुनने के बाद जो है आपका जो है स्कॉलरशिप का कैटेगरी यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद नाम ऑफ स्टूडेंट डालना है। तो यहाँ पे कैटेगरी में आपको डालना है पोस्ट मैट्रिक टॉप क्लास MCM, ठीक है। तो आपका सेकेंड वाला को यहाँ पे चूज कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका स्टूडेंट का नाम यहाँ पे डालना है, स्कीम टाइप, यानी क्या आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप लेना है, तो स्कॉलरशिप यहाँ पे क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, चूज जेंडर आपको डाल देना है, मेल फीमेल जो भी आप रहे हैं यहाँ पे डाल देना है, मोबाइल नंबर एक यहाँ पे डालना है, ईमेल आईडी यहाँ पे एक डालना है, बैंक IFSC कोड जो है डालना है, उसके बाद कन्फर्म बैंक IFSC कोड यहाँ पे डालना है, ठीक है। उसके बाद बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे आपको डालना है, उसके बाद कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर डालना है, उसके बाद बैंक का नाम डालना है, कौन सा बैंक में आपका अकाउंट है, SBI है, PNB भी है, PNB है, जो भी बैंक आपका होगा यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। आपका आइडेंटिफिकेशन डिटेल यहाँ पे और तो डाल सकते हैं, आधार नंबर या बैंक का अकाउंट नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा को डाल देने के बाद जो आपका यहाँ पे जो है न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना, ठीक है। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपका जो एक ID और पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ID पासवर्ड मिलने के बाद जो है लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। तो लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। एप्लीकेशन ID और पासवर्ड और कैप्चा यहाँ पे डाल करके जो लॉगिन करना है, उसके बाद आपका नाम वगैरह जो रजिस्ट्रेशन आपके सारा कुछ वहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो जो डालना है वहाँ पे सारा कुछ आपको डाल देना, उसके बाद सबमिट कर देना। उसके बाद जो है आपका सारा प्रोसेस वहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद आपका जो है पैसा जो है आपका अकाउंट में जो है ट्रांसफर जो है सभी को किया जाएगा। तो इस तरह से आप लोग को जो फॉर्म को जो है भरना है, अभी तक आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि टाइम जो है बहुत ही जो है कम बचा हुआ है। तो जल्दी से आप लोग फॉर्म को भर ले। थैंक